नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सो मैनी थैंक्स कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक दोस्तों, आज मैं आपको न्यू डाइट सिस्टम के हिसाब से हम जो भी हम फलों का जस रस पीते हैं या फिर वेजिटेबल्स का जूस पीते हैं, वहाँ पर हम छोटी छोटी बातों की कहाँ हमें गलती करते हैं और हमें किन किन छोटी चीज़ों का बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज उसी के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी देने आई हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और इसी प्रयास में वह नित्य नई रोज़ कुछ न कुछ प्रयत्न करता रहता है। और जब भी वह बीमार होता है तो वह कोशिश करता है कि वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और क्या आपको पता है कि मनुष्य को स्वस्थ बनाने में के लिए फलों का रस या वेजिटेबल्स का जूस जो है उसकी जो शक्ति होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जूस के जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है वो हमें तभी मिलेगी जब हम उनको प्रॉपर वे में बना कर पियेंगे। हम अक्सर बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, तो आज मैं आपको उसी के बारे में छोटी छोटी बताऊँगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें उन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट्स होता है वो है कि रस जो होता है जूस वो हमेशा ताज़ा होना चाहिए। ताज़ा होने का मतलब आप मार्केट से बिल्कुल ताज़ा फ्रूट्स लेके आइए, ताज़ा वेजिटेबल्स लेके आइए और तुरंत उसका जूस बना के निकाल के पीजिए। एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने गाजर को आपने काट के 20 से 25 मिनट के लिए यदि बाहर रख दिया तो आप देखेंगे कि उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो जैसे ही विटामिन्स जो होते हैं वो आपके हवा के कांटेक्ट में आएंगे एयर में और उसी वक्त उनके न्यूट्रिशन ख़त्म होने लग जाएंगे। इसी तरह से जैसे मैं आपको फ्रूट्स का एग्जांपल देती हूँ, फ्रूट्स में जैसे विटामिन सी से भरे फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू हुआ, मौसम्बी हुई, ऑरेंज हुआ, ये इनमें अंदर जो विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा के अंदर पाई जाती है। हम इसको 15-15, 20-20, 5-5, 10 दिन के लिए ला के इसको बाहर रख देते हैं, तो जैसे ये बाहर पड़े रहेंगे तो धीरे 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 पड़े पड़े इनके न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और यदि आप इनको प्रिवेंशन के लिए आप इनको फ्रिज में भी रखते हैं तो भी इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 40% कम हो जाती है, वो उतने ताज़ा नहीं रहते हैं जिससे कि ताज़ा हम बाज़ार से उस वक्त लेके आते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि हमेशा फ्रूट और वेजिटेबल्स हो उनको ताज़ा ही ला के उनका जूस बना के आप पीजिए। दूसरा जो पॉइंट्स है, सबसे पहली बात है वो ये है कि फलों और सब्जियों को जो हम रूस जूस निकालें आके, तो उसको जूस निकालते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लाते ही आप 15 से 20 मिनट के लिए नमक के पानी में आप उनको छोड़ दीजिए। पहले आप नॉर्मल वाटर से उनको क्लीन कर लीजिए, उसके बाद उनको आप नमक के पानी में 15 से 20 मिनट के, ताकि उनके छिलके के ऊपर जो भी केमिकल्स लगे होते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल के रख दीजिए, उनके ऊपर जो भी केमिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप सिंपल पानी से धो के और उसको बारीक बारीक काट के उसको जूसर में डाल के और जैसे भी जिस भी तरीके से आप बनाना चाहते हो, ग्राइंडर में या मिक्सर जूसर में बना के और छान के और तुरंत पी लीजिए। उसमें भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके जो छिलके होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के, उनके छिलकों में उनसे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी जैसे ही आप जूस को छानते हैं उसी वक्त उनको बहुत ज़बर थोड़ा सा जोर लगा के उनको निचोड़िए, ताकि उनके जो छिलकों का जो एक्स्ट्रैक्ट है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, वो भी उस जूस के अंदर आ जाएगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उनके छिलके जूस के अंदर ना आने पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम जूस निकाल के पीते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गटागट गटागट एक मिनट भी नहीं लगाएंगे और जूस को फटाफट पी लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जूस को पीने में कम से कम 15 से 20 मिनट एक ग्लास में लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारे जो मुंह के अंदर जो लार ग्रंथि होती है, पाचक एंजाइम्स जो सिक्रेट करती हैं, वो पाचक एंजाइम्स क्या करते हैं कि हमारे जूस की जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, उसको बहुत ही इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं। तो 20 से 25 मिनट में जब जूस बॉडी के अंदर जाता है तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली पच जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो है जूस को सिप सिप करके 15 से 20 मिनट लगा के उस जूस को हमें पीना चाहिए। चौथी बात ये है दोस्तों कि हमें भी कभी भी मार्केट के जो जूस डिब्बाबंद जूस आते हैं उनका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, उसमें केमिकल्स डले हुए होते हैं, तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें घर पे फ्रूट्स लाने चाहिए, आपको सस्ते भी पड़ेंगे और उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं
वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। तो आपको आज मैं आपको ये छोटी सी जानकारी दी है दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं अगली बार एक वीडियो और लेके के आऊँगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप ताज़ा जूस बना के पीजिए और आप लोगों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का पता चले। बहुत सारे लोग एक गलती और भी करते हैं, मैं आपको बताना चाह रही थी, छूट गया, कि सुबह जूस बना के एक साथ उसको फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद दिन भर उसी जूस को निकाल निकाल के फ्रिज में से पीते रहेंगे। तो ये भी गलत है क्योंकि उसमें भी उनके शरीर न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि तुरंत बनाना है और तुरंत उस जूस को पीना है। तो दोस्तों आज के आपके मेरी ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो आप आगे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग छोटी छोटी जो गलतियाँ करते हैं वो ना करें और हमारी जो जीवनी शक्ति है उसको भी रेस्ट मिल जाए। क्योंकि हम जूस लेंगे तो हमारी जीवनी शक्ति को आराम मिलेगा, तो हमारा शरीर जो है वो जल्दी ही पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। तो आप आगे के लिए आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।